थोड़ा सा ऊपर से देख लो, कुवैत, ये है कुवैत। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये स्क्रीन पे है ना, ये जो स्क्रीन है इस पर क्या दिखा रहा था अभी, इस पर मैप दिखाता है, ठीक है। अभी देखो आप, ये ओपन होगा। सबसे पहले इसको देख लो आप, इसका फ्लाइट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा था, टाइम टू डेस्टिनेशन, एस्टिमेटेड अराइवल टाइम, डेस्टिनेशन, डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और ये देख लो आप मैप, ये पूरा मैप है। और ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा सही से, तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ। देख लो कुवैत, हाँ अभी देख लो ये कुवैत। विद इन 5 मिनट में हम लोग लैंड करेंगे यहाँ से, 5 मिनट दिखा रहे हैं। और यहाँ से देख लो मक्का का भी दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे आउटसाइड का एयर टेम्परेचर, आउटसाइड एयर टेम्परेचर 91.4 फ़ारेनहाइट था, और लोकल टाइम प्रेजेंट पोजीशन ये है, लोकल टाइम एट डेस्टिनेशन, लोकल टाइम और एट ओरिजिन, ठीक है। तो ये सब दिखाता है, इस पर कितना एल्टीट्यूड है, स्पीड क्या है, ये सब सारा, ये सारा भी इन्फॉर्मेशन जो है आता होता है इस पर। देखो एल्टीट्यूड अभी 24,400, ठीक है। एंड अभी आपको देख लो आप 2,408 फीट, ठीक है। और ग्राउंड स्पीड 257 का स्पीड है अभी इसका, क्योंकि ऑलमोस्ट ये नीचे आ चुके हैं। आप देख सकते हो ये है कुवैत, और फर्स्ट टाइम मैं भी कुवैत आ रहा हूँ। ऊपर से दिखाता हूँ थोड़ा सा कुवैत का नज़ारा, फर्स्ट टाइम मैं कुवैत आ रहा हूँ। देख लो क्या दिख रहा है यार ऊपर से, ठीक है। फ्लाइट का जो स्पीड है ऑलमोस्ट अभी स्लो हो चुका है, और यहाँ से कुवैत का नज़ारा थोड़ा सा ऊपर से देख लो, कुवैत, ये है कुवैत। ये रोड देख लो नीचे का जो ये दिख रहा है, ये रोड है, और ये है कुवैत। बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से दिख रहा है, देखो अपार्टमेंट है, नीचे घर है, ये है कुवैत। अच्छा यार ऊपर से अच्छा दिख रहा है ना, देख लो कितना ज़बरदस्त नज़ारा कुवैत का। ये मार्केट सामने जो दिख रहा है, ये मार्केट दिख रहा है, देखो ऊपर से कुवैत भी अच्छा है यार, ऊपर से अच्छा दिख रहा है। फर्स्ट टाइम कुवैत में एंट्री कर रहा हूँ मैं। बस स्टॉप है आई थिंक यहाँ पे, ये देख लो बस, बहुत सारी बस लगी हुई है, और बस अब जो है हम लोग एंट्री करेंगे अपने एयरपोर्ट पे, इंटर करने वाले हैं। ये ऑलमोस्ट ये रोड यहाँ का, ठीक है। अब हम लोग इंटर कर रहे हैं अपना अपने एयरपोर्ट पे, कुवैत एयरपोर्ट पे। ये है कुवैत एयरपोर्ट, ठीक है। फाइनली आ चुके हैं कुवैत एयरपोर्ट पे। ये है गाइस कुवैत एयरपोर्ट, और यहाँ से मैं लूँगा अभी दिल्ली के लिए फ्लाइट। कुवैत का जो एयरपोर्ट है बहुत सिंपल सा है, लेकिन बहुत सही है, पीछे का आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, यहाँ से मैं निकलूँगा अभी दिल्ली के लिए। अभी जा रहा हूँ अपने गेट पे, जहाँ पे जहाँ से मुझे फ़्लाइट मिलेगी। तो मेरा गेट नंबर है कुवैत से D3 D4, जो सामने दिख रहा है शायद वहाँ, ठीक है। तो वहाँ पे जाना है, और मुझे वहाँ से भी D3 D4 पे जाके चेक इन करना है बोर्डिंग पास, और वहाँ से मैं फ़्लाइट में बैठूँगा। अभी एक्चुअल में टाइम है यहाँ पे थोड़ा सा, अब देख लो। कुवैत एयरपोर्ट छोटा सा ही है, लेकिन सही है। ये D4 D3 दिख रहे हैं, ये मेरा गेट, और यहाँ से मुझे एंट्री करना है फ़्लाइट के लिए टिकट स्कैन करके। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, और पैसेंजर जो है जाने वाले जो लोग भी हैं वो आ रहे हैं, ये सब जो भी बैठे हुए हैं सब जाने वाले ही है। तो यहाँ से मैं एंट्री करूँगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से जो मेरी फ़्लाइट है कुवैत से दिल्ली के लिए, ये आके लग चुकी है, यहाँ पे लगी हुई है। और इसका जो भी लगेज लोडिंग जो करना होता है लगेज को, वो हो रहा है, ऐसा काम चल रहा है, और लगेज वगैज लोडिंग हो रहा है उसमें। अब इसका काउंटर ओपन हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ काउंटर पर। तो गाइस फाइनली मैं फ़्लाइट के लिए जा रहा हूँ एंट्री करने फ्लाइट में। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे लाइन है बहुत सारा, और आगे की तरफ मैं दिखाता हूँ आपको, ये है आगे की तरफ। यहाँ से हम लोग फ्लाइट में एंट्री करेंगे इंशाल्लाह, और मेरी फ़्लाइट वहाँ पे लगी हुई है, और जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ। तो गाइज़ ये है फ्लाइट जिससे मैं जाऊँगा कुवैत से दिल्ली। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ,
और मेरा जो सीट है, मैं सीट पहले खोज रहा हूँ, मेरा सीट कहाँ पे पहले देखता हूँ पहले सीट मेरा, तो मेरा सीट मिल चुका है ये। तो गाइस मेरा बिल आ चुका है, इस पे देख लो आप, एंजॉय योर मील, भोजन का आनंद लीजिए, हिंदी में भी लिखा गया है इस पे, और कुवैत एयरवेज की तरफ से ये मिला है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर है क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देख लो आप, ये एक सैंडविच है, और एक्चुअल में मैं पहले ही बुक किया था, इसमें चॉइस करने का ऑप्शन था कि आप कौन सा नॉन वेज या वेज कौन सा चाहिए आपको, तो मैं नॉन वेज किया था इसको। और उसके बाद एक ये प्योर वाटर ड्रिंक, ये वाटर, ठीक है, और एक ये मिला है कुवैत एयरवेज की तरफ से, ये जूस, ऑरेंज जूस, और एक नॉर्मल सा छोटा सा केक। यू कैन सी वाटर, एज यू कैन सी जूस, ऑरेंज जूस, एज यू कैन सी केक, एंड दिस वन इज नॉन वेज, आई थिंक नॉन वेज। सामने वाले स्क्रीन पे बॉलीवुड मूवी मिला मुझे, इरफान खान का कारवा मूवी, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये मूवी लगाया था मैं, और इसे ही प्ले करके देख रहा था, ऑलमोस्ट हाफ देख चुका हूँ। तो अभी जो मोड है इस फ्लाइट का, स्लीपिंग मोड है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे मोस्टली सो रहे हैं अभी, और ब्लैंकेट मिला है मुझे भी बैठ के ही ओढ़ने के लिए, लेकिन कवर करने के लिए बॉडी, अगर आपको ठंड यहाँ पे लगता है तो फील हो रहा है तो, लेकिन मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ इसीलिए फिर मैं साइड में डाल दिया उसको। तो बच्चे लोग भी है, बहुत सारी फैमिलीज़ भी है, तो सब सो रहे हैं। ये सब दिल्ली में लैंड करने वाले हैं हम लोग, और ये फ्लाइट लैंड कर रही है, नीचे जा रही है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको वीडियो, ये एक्चुअल में डाउन साइड में, फ्लाइट के डाउन साइड में नीचे के साइड में एक कैमरा लगा होता है, और वो कैमरा नीचे का शो करता है, तो वो कैमरा के थ्रू ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप आगे भी होता है और पीछे, और एक नीचे होता है, लेकिन रात में क्या होता है, नाइट में आगे और पीछे का नहीं दिखता है, लेकिन नीचे का जो है वो लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट होके वो दिखता है। तो देख सकते हो आप, ये दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए, गाइस ये लैंडिंग होने के टाइम, लैंडिंग हो गई है, और उस टाइम का आप देख सकते हो नीचे के कैमरा से दिख रहा है सारा, क्या स्पीड है यार देखो। और वो एक सामने स्क्रीन है, उस पर सामने का दिख रहा है, आगे की तरफ का दिख रहा है, लेकिन इस पर जो दिख रहा है ये देखो आप, क्या स्पीड का लैंडिंग होने के टाइम में। आगे का कैमरा ऑन किया मैं अभी, पहले थोड़ा इसी वजह से इरर आ रहा था, लेकिन अभी जैसे मैं ऑन किया तो ऑन हो चुका है। ये है, मैं फ्लाइट के अंदर बैठ के बाहर का देख रहा हूँ, ठीक है, विद कैमरा, ठीक है, कैमरा के थ्रू मैं देख रहा हूँ, और देख सकते हो आप, ये है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कुछ अभी अनाउंसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली दिल्ली। गाइस ये है कुवैत एयरवेज का बिजनेस क्लास दिल्ली एयरपोर्ट, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये है गाइस दिल्ली एयरपोर्ट, और मैं जा रहा हूँ अभी पहले लगेज लूँगा, उसके बाद वहाँ से फिर इमिग्रेशन के लिए जाना है। ये है दिल्ली एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया, ये देख लो, ये जो रश है, ये लाइन है, ये इमिग्रेशन की ही लाइन है, तो यहाँ से पहले मैं इमिग्रेशन करवा के फिर लगेज कलेक्ट करके फिर निकलना है आगे, ठीक है। मेरा लगेज बेल्ट नंबर 10 पे आया है, ये नंबर 10 जो लिखा हुआ है इस पर। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट से बाहर, गाइस मैं आ चुका हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, और बाहर भी आ चुका हूँ,